केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव ने शुक्रवार को मुंबई में विक्रोली और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन निर्माण स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने यहां जारी काम की समीक्षा की और कहा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला सेक्शन जुलाई से अगस्त 2026 में शुरू हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे दूसरे ब्लॉक भी शुरू हो जाएंगे। बकौल रेल मंत्री, देश में 2026 से हाई स्पीड रेल दौड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए टारगेट है कि सूरत और बिलिमोरा के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला खंड जुलाई से अगस्त 2026 में काम करना शुरू कर दे। रेल मंत्री ने इस परियोजना को लेकर खास जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की एक खासियत होगी, यह भारत में पहले समुद्र के नीचे सुरंग में दौड़ने वाली रेल होगी। 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक सिरा मुंबई HSR से शुरू होगी और कल्याण सिलफटा में निकलेगी। इसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा ताड़े क्रीक पर समुद्र के नीचे होगा। सबसे गहराई वाला पॉइंट लगभग 65 मीटर गहरा है। सुरंग 40 फीट चौड़ी होगी और इसमें एक अप और एक डाउन लाइन होगी जिस पर हाई स्पीड रेल काम करेगी। सुरंग के अंदर भी ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।